क्या नाम बताया उसका? आपटे, बाबूराव गणपतराव आपटे। आई लव इट, है ना बाबू? कमाइला बाबू भाई, ऐसे डायरेक्ट बाबू। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला सलीम और आप देख रहे हैं एम4 मूवीज। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आज थोड़ी बहुत बात करूंगा वांडा विजन शो के बारे में, जो कि डिज्नी प्लस पर दिसंबर में रिलीज होगा। याद रहे, ये एक वेब सीरीज है। इसका ट्रेलर कुछ दिन पहले आ गया है और वो लोग जो कि मार्वल की सीरीज बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि वांडा विजन काफी ज्यादा अलग होने वाला है मार्वल की बाकी सीरीज से। तो चलिए इस शो के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, उससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं वेब सीरीज की थीम के बारे में। इस वेब सीरीज की थीम 1950s की सिटकॉम की तरह रखी गई है और ट्रेलर में भी हम शुरू में देख सकते हैं 4:3 एस्पेक्ट रेशियो की स्क्रीन दिखाई जाती है। जैसे जैसे वेब सीरीज आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कलर्स भी आते रहते हैं और स्क्रीन भी वाइड होती रहती है। अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। जैसा कि हमने इन्फिनिटी मूवी में देखा कि थेनोस ने विजन को मार दिया था और वांडा विजन वेब सीरीज में विजन जिंदा हो गया, तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये सब कुछ जो वेब सीरीज में दिखाया जा रहा है वो वांडा सोच रही है। मतलब ये सब उसका विजन है, यानी कि उसके ख्यालात। वो अपने विजन में ही विजन को क्रिएट करेगी, क्योंकि अब विजन जिंदा नहीं है। तो वांडा ये सोच रही है कि विजन और वो एक अच्छी और मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं, जैसा कि वो गुजारना चाहते थे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि वांडा ने एक अलग रियलिटी क्रिएट की है। जी हाँ, वांडा एक अलग रियलिटी क्रिएट कर सकती है और हमें इस शो में यही देखने को मिलेगा। अब मैं आपको अपनी एक अलग थ्योरी बता देता हूँ कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि जो वांडा अपनी रियलिटी में कर रही है उसका असर मेन टाइमलाइन पर भी हो रहा हो, यानी कि शायद विजन दोबारा जिंदा हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो एमसीयू में आगे काफी अलग चीजें देखने को मिलेंगी। तो अब मेन बात जो आप लोगों के भी दिल में जरूर होगी कि वांडा और विजन के बच्चे कैसे होंगे, क्योंकि विजन एक एंड्रॉइड है। तो दिसंबर तक का इंतजार कर लो यार, वैसे भी दिसंबर में वेब सीरीज आने ही वाली है और उसमें हम लोग को दिखा दिया जाएगा, और वैसे सन और चिट्टी वाला सीन देखने लायक होगा। अब बात कर लेते हैं कनेक्शंस की। तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये सीरीज ना देखें, तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि ये वेब सीरीज डायरेक्टली कनेक्ट होगी एमसीयू की मूवीज से और बाकी की वेब सीरीज से। अब तक की एमसीयू की जितनी भी वेब सीरीज और मूवीज हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती थी, लेकिन अब एमसीयू की सीरीज और मूवीज आपस में कनेक्ट होंगी। वांडा विजन वेब सीरीज कनेक्ट होगी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, और साथ ही साथ ये लोकी सीरीज से भी कनेक्ट होगी। तो अब वो लोग जो ये सोच रहे थे, वो वांडा विजन वेब सीरीज को मिस मत करिएगा। इस सीरीज में हमें काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा। अभी कुछ कहना मुश्किल है, सिर्फ हम लोग दिसंबर का ही वेट कर सकते हैं। ट्रेलर में बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनको समझना मुश्किल था। तो गाइस, आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा और आप लोग वेब सीरीज के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Squads in here walking around the party, a cross between a zombie apocalypse and Bobby the Brain Heenan, which is probably the same reason I wrestle with mania shades in this bitch. I'm posse up, consider it.